हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। होप ये नया साल आपके और आपके परिवार वालों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आज हम जानने वाले हैं लैक्टी फाइबर पाउडर के बारे में। यह आपको मार्केट में 90 ग्राम के पैक में और 180 ग्राम के पैक में मिल जाता है। इसको सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है ईसबगुला हस्क और लैक्टिटोल, जिसका यूज कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इसमें जो ईसबगुला हस्क होता है वह स्टूल्स में वाटर कंटेंट को बढ़ा देता है, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और वह इजीली पास हो जाता है। जो ईसबगुला है वो कम से कम 10 से 15 गुना तक अपने जो वेट का वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और जो लैक्टिटोल होता है वह एक ओस्मोटिक लैक्सेटिव होता है, जो कि इंटेस्टाइन में एक ओस्मोटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेस्टाइन में खींचता है। इसलिए आपने सुना होगा जो भी डॉक्टर है या कोई केमिस्ट है तो वो जब भी कोई कब्ज की सिरप देते हैं तो आप कहते होंगे उसके ऊपर एक ग्लास पानी या दो ग्लास पानी जरूर पीना। तो वो इसलिए ही क्योंकि ये जो दवाइयां होती हैं ये ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है और स्टूल को सॉफ्ट करती है, जिसकी वजह से स्टूल इजिली पास हो जाता है। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके देखिए वैसे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम या फिर गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जानते हैं इसको कब लेना होता है और कितनी मात्रा में लेना होता है। तो दोस्तों इसको रात में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह जो अपना असर है वो 7 से लेकर 8 घंटे 9 घंटे में दिखाना चालू करती है। और आपको इसे 20 से लेकर 30 ग्राम लेना होता है, जो कि इसके ऊपर आपको साथ में 1 से 2 ग्लास निवाया पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे पहले लो, क्योंकि कई बार ये जो पाउडर है इसके साथ इंटरेक्शन कुछ दवाइयों का इंटरेक्शन देखने को मिलता है। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।